आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी के आसपास चारों तरफ टोल नाके स्थापित हो चुके हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। आइए हम आपको बरघाट रोड के टोल नाके ले चलते हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। आधा घंटा हो गया, आधा घंटा। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी का जाना है, बस हो गया। अच्छा, क्यों रोका गया था? ये टोल टैक्स के चक्कर में, टोल टैक्स का पता नहीं काट रहे नहीं काट रहे, ले रहे नहीं ले रहे, पता नहीं मालूम नहीं है मेरे मालूम। तो अकेले है कि पूरी फैमिली? फैमिली, बच्चे हैं साथ में। सिवनी से आप किसी भी मार्ग पर निकल जाएं, हर मार्ग पर आपको टोल नाका मिलेगा। और बालाघाट मार्ग, सिवनी से बालाघाट मार्ग बना नहीं है, उसके पहले ही यहां टोल लगना आरंभ हो गया है, जो बहुत हैरानी की बात है। आइए फिर सुनते हैं। सभी गया मैं, यहां पर कोई टोल नहीं। अच्छा, जब मैं वापसी लौट रहा हूं यहां से, तो टोल वाले कह रहे हैं कि पैसा दो, जब टोल आने गाड़ी पार करने देंगे। अच्छा, आपको मालूम था कि कल ये दोपहर में 11 तारीख को चक्का जाम होने के बाद ये टोल बंद हो गया था? 11 तारीख के बाद में टोल बंद हो गया था, लेकिन अभी फिर चालू कर दिए लोग। अच्छा, कांग्रेस के द्वारा यहाँ टोल नाके का विरोध किया गया, और विरोध के बाद यहाँ टोल नाके पर वसूली अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई थी, और मुश्किल महज 4 घंटे के बाद एक बार फिर यहाँ वसूली चालू हो गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये सड़क बनी नहीं, लोगों की आपत्ति यही है कि सड़क बनी नहीं, और सड़क के बने बिना अगर यहाँ पर टोल वसूला जा रहा है तो यह नियमों के प्रतिकूल है। इसके अलावा एक नियम और है, वो नियम ये कहता है कि अगर टोल नाके के आसपास 20 किलोमीटर की परिधि में कोई रहता है तो उसे उस टोल नाके पर बिना टोल दिए हुए जाने का पूरा अख्तियार है, अधिकार है। आइए हम सुनते हैं यहाँ पीड़ितों का क्या कहना है। कितनी देर हो गई लगभग आपको? आधा घंटा, एक घंटा, जो भी आधा घंटा हो गया। आधा घंटा। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी का जाना है, बस हो गया। क्यों रोका गया था? ये टोल टैक्स के चक्कर में, टोल टैक्स का पता नहीं काट रहे नहीं काट रहे, ले रहे नहीं ले रहे, पता नहीं मालूम नहीं है मेरे मालूम। अकेले हैं कि पूरी फैमिली? फैमिली, बच्चे हैं साथ में। आपने ड्राइवर कंडक्टर से बात करी हो, क्या कह रहे हैं? अब वो भैया बोल रहे हैं, हो बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं दूसरी बस चल जाए, किराया दे दो, वहाँ भाड़ा पैसा। क्या नाम लिखते हैं आप? देवेंद्र पटले। लंबे समय के बाद स्थानीय मामलों में कांग्रेस जागी, और कांग्रेस के द्वारा स्थानीय मामले की सुध ली गई। बालाघाट रोड पर जो टोल स्थापित किया गया, उस टोल को जब तक सड़क ना बन जाए तब तक यहां टोल नहीं लिया जाना चाहिए, इस बात को लेके कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया, और कांग्रेस कुछ हद तक सफल रही। आइए हम फिर सुनते हैं क्या कहना है यहां पर लोगों का। ये बताइए कैसे आप यहाँ रुके हुई हैं, आपके बस के साथ में क्या मामला? सभी गाड़ी नंबर है मेरा 02-25। 02-25 सभी गया मैं, यहाँ पर कोई टोल नहीं था। जब मैं वापसी लौट रहा हूँ यहाँ से, तो टोल वाले कह रहे हैं कि पैसा दो, जब टोल आने गाड़ी पार करने के। अच्छा, आपको मालूम था कि कल ये दोपहर में 11 तारीख को चक्का जाम होने के बाद ये टोल बंद हो गया था? 11 तारीख के बाद में टोल बंद हो गया था, लेकिन अभी फिर चालू कर दिए। अच्छा, चले महोदय। चलिए, अभी आपके जो बस में जो पैसेंजर है, परेशानी हो रही होगी? परेशानी सर, अब यहाँ खड़े हैं तो परेशानी नहीं होगी, कहाँ कहाँ लोगों को कहाँ कहाँ जाना है, कोई बाहर जा रहा है, कोई नागपुर जा रहा है, कोई जलपुर जा रहा है, सीनी जगह लेके थोड़ी ना प्रॉपर। आप क्या मानते हैं ये टोल टैक्स जो है, ये इसकी वसूली लगभग 2018 में पूरी हो चुकी है? बिल्कुल, ये टोल टैक्स जायज है? नहीं, जायज नहीं है, अनलीगल है, ये अनलीगल हो रहा है। आपका फिर से नाम बताइए पूरा। मेरा नाम दारा सिंह मालवी, SRT बस कंडक्टर। कांग्रेस का प्रदर्शन प्रभावी माना जा रहा था, पर प्रदर्शन के महज 4 घंटे के बाद अगर टोल चालू हो गया तो ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए विचारणीय प्रश्न माना जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। आइए हम सुनते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ के और लोग। आज हम खड़े हैं सिवनी जिले के बालाघाट रोड पे, सेलुआ टोल प्लाजा में। ठीक 24 घंटे भी नहीं हो पाए हैं और पुनः सेलुआ टोल प्लाजा चालू कर दिया गया। वजह क्या है ये साफ साफ कोई बताने को तैयार नहीं है। कांग्रेस संगठन के लोग आज यहाँ से लापता हैं, और यहाँ के जो भारी माल वाहन है, बस है, ट्रक है इत्यादि जो है, यहाँ परेशान हो रहे हैं। कल जब 24 घंटे पहले दोपहर 2 बजे चक्का जाम के बाद
जिला प्रशासन और एमपीआरडीसी के अधिकारियों ने टोल को बंद करा दिया था। इसके बाद यहाँ से कांग्रेस और अन्य यूनियनिस्ट और ग्रामीण लोग वापस चले गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे भी नहीं बीत पाए, रात दोपहर 12 बजे से ही ये सेलुआ घाटी का टोल प्लाजा चालू हो गया। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये बालाघाट रोड का टोल है, सड़क बनी नहीं है, जर्जर सड़क पर टोल वसूली की जा रही है। कांग्रेस के दो विधायक सिवनी जिले में हैं, बरघाट से अर्जुन सिंह काकोड़िया और लखनादौन के योगेंद्र सिंह, दोनों ही विधायक 13 अगस्त 2021 तक इस मामले में पूरी तरह खामोश नजर आ रहे हैं। कांग्रेस विज्ञप्तियों के सहारे, ज्ञापन के सहारे ही टोल हटवाना चाह रही, जबकि इस टोल का जिस कंपनी को ठेका दिया गया है वो कंपनी अगर इस टोल को निरस्त किया जाता है तो यक्ष प्रश्न यही खड़ा हुआ है कि उस ठेकेदार की को पैसों की भरपाई कहां से की जाएगी। इसलिए ये सूत्रों का कहना है कि टोल निरस्त शायद ही हो। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।